हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन हिंदी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एडमंड स्पेंसर का एक और मेजर वर्क जिसका नाम है एमोरिटी। बेसिकली इट इज़ अ सोनेट साइकिल जिसको एडमंड स्पेंसर ने 16th सेंचुरी में लिखा था और ये पब्लिश हुआ था 1595 में। इस सोनेट साइकिल में उन्होंने डिस्क्राइब किया है अपना रिलेशनशिप जब वो एलिजाबेथ बॉयल से शादी करने वाले होते हैं। तो मैरिज से पहले जो उनका एक रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप होता है एलिजाबेथ बॉयल के साथ, तो इस सोनेट साइकिल में वो सब चीज़ें वो डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो एमोरिटी है बेसिकली इसका मीनिंग है लिटिल लव एंड इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ 89 सोनेट्स। एलिजाबेथ बॉयल और एडमंड स्पेंसर की जो वेडिंग है वो होती है June 11, 1594 में। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस सोनेट साइकिल में फेमस सोनेट्स कौन कौन सी हैं। तो वो है सोनेट नंबर 34 जिसको उन्होंने लिखा था अपनी वाइफ के साथ जब उनका ब्रेकअप हो जाता था, तो उसके बारे में, और इसका नेम है लाइक एज अ शिप। सोनेट्स लिखना उन्होंने स्टार्ट किया था 23 जनवरी से और 17 मई तक उन्होंने जो ये थे लिखे थे सोनेट्स। एंड सोनेट नंबर 22 है, उसका नेम है एश वेंसडे। सोनेट नंबर 68 का नेम है ईस्टर संडे। एंड सोनेट नंबर 82 का नेम है फीस्ट ऑफ एस्केंशन। अब मैं आपको कुछ सोनेट्स का ओवरव्यू बताऊंगी कि कौन से पर्टिकुलर सोनेट्स में किस चीज़ की बात की गई है। सोनेट नंबर 63 में क्या होता है, जो एलिजाबेथ बॉयल होती हैं वो स्पीकर की जो रिक्वेस्ट होती है, मींस उनका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं, उनको उनकी फियांसी बनने के लिए वो राज़ी हो जाती हैं। सोनेट नंबर 63 से 85 में क्या बताया गया है कि जो स्पीकर होता है, मींस जो एडमंड स्पेंसर हैं, वो अपने ही कुछ जो मोटिव्स होते हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा कंसीडर्ड होते हैं कि उनको जो कुछ उनकी ऐसे मोटिव्स हैं जिनको वो चेंज करना चाहते हैं। शादी से पहले वो कुछ और मोटिव्स थे, अब वो उनको चेंज करना चाहते हैं, जो कि इनके नए रिलेशनशिप को, जो कि उनके एलिजाबेथ बॉयल और एडमंड स्पेंसर के बीच को, बीच के जो रिलेशनशिप को सूट कर पाए। तो सोनेट 63 to 85 में ये सब बताया गया है। अब सोनेट 86 to 89 में क्या होता है, उनके रिलेशनशिप में एक डिवीज़न आ जाती है, मींस कि उनमें दूरियां पड़ जाती हैं। किस वजह से, क्योंकि एडमंड एलिजाबेथ बॉयल को कोई पर्सन आकर कुछ बताता है स्पीकर के बारे में जिसको वो बहुत ज़्यादा कर्स करता है, तो इसमें क्या है, वो उस चीज़ के कारण काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और वो सेपरेटेड हो जाते हैं। तो 87 to 89 सोनेट में क्या होता है, तो जो स्पीकर को वो एलिजाबेथ बॉयल को छोड़ कर चली जाती है, तो वो एडमंड स्पेंसर की माइजरी, जो उनकी कंडीशन होती है आफ्टर बीइंग सेपरेटेड, तो वो सारी कंडीशंस इस सोनेट्स में बताई गई हैं। लेकिन फिर भी जो एडमंड स्पेंसर है, जो स्पीकर है, उसके मन में एक एक्सपेक्टेशन है कि वो दोनों फिर कभी ज़रूर मिलेंगे।